भाई जी, केमिकल साइकिल के अंदर सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल। बहुत नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो एलिमेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट तरीन एलिमेंट है? इसलिए कि ये जो है वो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। अमाइनो एसिड्स जो हैं उसके अंदर जब तक नाइट्रोजन ग्रुप शामिल नहीं होता, वो कार्बन का जो एक कंपाउंड है वो अमाइनो एसिड नहीं कहलाता। तो अमाइनो एसिड्स जो है वो जब चेन फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे से जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, तभी लॉन्ग प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए और आरएनए इम्पोर्टेंट, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जिसके बगैर किसी भी जानदार का कोई वजूद नहीं है, उसके कोई करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, वो कोई भी चीज जो है वो उस वक्त तक शेप अप नहीं हो सकती जबकि डीएनए या आरएनए ना जो है वो प्रेजेंट हो। अब ये डीएनए और आरएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जो है दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एक लार्जर होती है, एक जो है वो शॉर्टर होती है, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। ये हेट्रोजिनस नाइट्रोजनस बेसिस होती है। तो जब तक नाइट्रोजन नहीं है इन कंपाउंड्स के साथ अटैच, उस वक्त तक ये नाइट्रोजन बेस नहीं बनेगी, वो एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डीएनए की डबल हेलिक्स नहीं बनेगी। अगर डीएनए की डबल हेलिक्स नहीं बनेगी तो यहाँ पे कोई जीन का कॉन्सेप्ट या जेनेटिक मटेरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब तक वो जीन नहीं होगा, वो उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, उस जानवर की कोई जो है रंगत, कोई शबाहत, कोई चीज जो है वो सामने नहीं आएगी। इसी तरह प्लांट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फेनोमेना फोटोसिंथेसिस का है, लेकिन फोटोसिंथेसिस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक क्लोरोफिल पिगमेंट उन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट के जो है वो बनने के लिए उसका मॉलिक्यूल है, उसके लिए जो है नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस फॉर्म में और कहाँ पे पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एटमोसफेयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस की सूरत में, N2 की सूरत में पाई जाती है, और वो है 78%। और यही इसका रिजर्वायर पूल है, जो कि एबायोटिक है, स्लो है, लेकिन जो है वो लार्जर पूल है। नाइट्रोजन जो साइकिल है उसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में, गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्बेबल नहीं है। इसको कोई भी ना प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं ना एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को इस हालत में लेकर आना कि उसको जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स इस्तेमाल कर सके, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्ट फॉर्म है नाइट्रोजन, N2 जो है, जो कि एटमोस्फेरिक है, वो इनर्ट फॉर्म है। वो जब तक किसी चीज के साथ कंबाइन नहीं करेगी, वो अवेलेबल नहीं होगी प्लांट्स को। तो यूजेबल फॉर्म जो है, जो प्लांट्स के लिए जो है, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक कम्युनिटी या जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, जो कि नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस हैं। नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन है नाइट्रोजन की और बायोलॉजिकल फिक्सेशन है नाइट्रोजन की।